इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत औरंगपुरा में शुक्रवार को सरपंच पद के लिए चुनाव होना थे, लेकिन कुछ पंचों के बहिष्कार और विवाद के बाद इन चुनाव को टाल दिया गया है। हालांकि देखना लाजमी होगा कि यह चुनाव अब कब तक हो पाते हैं। दरअसल यहां सरपंच रमेश चंद नागर के निधन के बाद ग्राम पंचायत सरपंच की सीट खाली है, जिसे 13 पंच मिलकर सरपंच चुनने वाले थे। इसमें से 7 पंचों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार और विवाद को देखकर निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव को निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि 1 महीने पहले भी विवाद के चलते यहाँ चुनाव निरस्त कर दिए गए थे। आपको बता दें कि यहाँ से द्रौपदी नागर और अनिल पटेल सरपंच के लिए दावेदारी कर रहे थे। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र खरे ने कहा कि यहाँ 13 पंचों में आपस में ही विवाद गहरा गया है। 7 पंचों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जिससे निर्णय नहीं हो सकता। आज अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा जो आदेशित किया गया था, स्थानापन्न सरपंच के प्रधान के लिए बैठक रखी गई थी। पूर्व में भी हमने इसको पिछले महीने 10 तारीख के दिन यहाँ पर एक प्रक्रिया के लिए कहा गया था, तो उसमें भी यहाँ के लोगों ने विवाद करने के कारण, विवादित होने से बैठक हमारे पूर्व के पीठासीन अधिकारी श्री सुनील नामदेव ने बैठक स्थगित की थी। उसके एवज में आज मुझे खंड पंचायत अधिकारी को यहाँ बैठक के लिए और सहायक के रूप में सुनील नामदेव जी को भेजा, लेकिन आज सारे पंच 13 पंच यहाँ गणपूर्ति के लिए उपस्थित तो हुए, लेकिन इन्होंने आपस में विवाद गहरा गया। जब वोटिंग की स्थिति आई तो 7 लोगों ने यहाँ से उसका बहिष्कार किया। इस वजह से नाम निर्देशन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई है, इस वजह से आज ये बैठक स्थगित की गई है। पंच मंजू नागर के मुताबिक यहां लड़ाई की नौबत आने से कुछ पंचों ने मिलकर इसका बहिष्कार कर दिया है। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि यहाँ कब तक चुनाव होंगे और पंच किसे सरपंच की कुर्सी पर बैठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बेटमा।